रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होल्ड सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन श्रीनगर विद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी चीफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी रक्षा मंत्री टू विजिट अमरनाथ केव श्राइन टुडे। Three terrorists killed in an early morning encounter with security forces in South Kashmir's Shopian district. Search operation underway. Joint Admission Board of IITs decides to relax eligibility criteria for JEE Advanced 2020. All qualified candidates who have passed class 12 examinations will now be eligible for admissions in IITs this year, irrespective of marks obtained. Flood and landslide situation remains grim in Assam, claiming over 100 lives. Heavy rains continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. Several low-lying areas waterlogged due to incessant rainfall. And COVID recovery rate rises to over 63% with over 6.35 lakh recoveries. Active cases stand at 3.4 lakh with over 25,000 fatalities. उपायों का इस्तेमाल किया, क्या ये हम कह सकते हैं आज? और ये अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण, कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया कि अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुटका हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन हु मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप इन राजस्थान, इज हिज और हर फोन बीइंग टेप्ड इन राजस्थान गवर्नमेंट, इज द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग टुडे। ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलिप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? एक अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदम्बरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा, जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी। ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है। मैं कोट करता हूं, गवर्नमेंट डिडंट गिव ब्लैंकेट परमिशन टू एनी एजेंसी फॉर द इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और decryption and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so.
सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द आईटी एक्ट 2000 empowers the central government or a state government to intercept, monitor or decrypt informations generated, transmitted, received or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. This phone taping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures. Each case is also reviewed by a committee chaired by the cabinet secretary in case of central government and chief secretary of state concerned in case of a state government. Aur jo 10 competent agencies hain unka naam hai Intelligence Bureau, CBI, ED, Narcotics Control Bureau, Central Board of Direct Taxes, CBDT, Directorate of Revenue Intelligence, National Investigation Agency, NIA, RAW, Directorate of Signal Intelligence and Delhi Police Commissioner. हमारा सवाल है कि क्या ये SOP राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है. द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे, जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है SOP को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए क्योंकि ये एक संवैधानिक विषय है. दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का CBI द्वारा जांच की मांग करती है. क्या SOP फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर CBI द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है. वी डिमांड अ प्रोब इन टू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय CBI. अंत में एक छोटा सा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है. एक तो इलीगैलिटीज फोन टेपिंग को लेकर है, दूसरी इलीगैलिटी कोरोना को लेकर है. फेयर माउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा. देखिए, कोरोना चल रहा है और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है. लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं, ये अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था. ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है. हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं. मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं. मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं. ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए. ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है. अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? लोग कानून फॉलो करेंगे क्या? लोग मास्क लगाएंगे? फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? लोग ये तो पार्टी कर रहे हैं रिसोर्ट में बैठ के, सब लोग पास बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं. ये सब चीजें जो अलाउड नहीं है, जनता के लिए अलाउड नहीं है. आप कैमरे के